तो यही है प्रॉब्लम बेसिकली, अभी ऑफ हो जाएगा। देखो तो एक्सप्लेन करता हूँ, ये है बोर्ड, ये ऑफ हो गया, फिर से डिस्प्ले आएगा इसका। आजा आजा, ये विंडोज घूम रहा है। देखते जाओ, मतलब विंडोज आके ही बंद रिस्टार्ट हो रहा है, या फिर ब्लू स्क्रीन आके स्टार्ट होके बंद हो रहा है। ठीक है, ये देखो फिर से बंद हो गया, ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो रहा है, विंडोज मतलब ओपन नहीं हो रहा है जैसे भी करके। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखो रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, ये ब्लू स्क्रीन आ गया, ये भी ऑफ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर 0-0 है, और इसका कीबोर्ड पे अभी लाइन नहीं है फिलहाल। तो ये देखो ऑफ हो गया, तो फिर से रिस्टार्ट हुआ, तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये है कि ऑफ कर देता हूँ, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं समझा देता हूँ, दिखा तो दिया है, मतलब चल रहा है, बोर्ड में डिस्प्ले है, अगर आप हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट कर दो तो बायस पे आराम से चल रहा है, बोर्ड बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हार्ड डिस्क या फिर SSD कोई ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो तो विंडोज़ इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है, और इंस्टॉल इसमें विंडोज़ 10 ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये ले लेना चाहिए आराम से, पर ये भी ले नहीं रहा है। तो देखो इसके पीछे एक चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, सिंपल तरीके से बताता हूँ और दिखाता भी हूँ, तो यही एक एक चीज़ मैं करूँगा अभी, जो है इसका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो ये ऑफ कर दिया, अभी ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये डिसकनेक्ट कर देता हूँ। देखो ये हो रहा है एक कैपेसिटर के वजह से, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर के वजह से ये हो रहा है, और उसको हम रिप्लेस या फिर रिमूव तो करके मैं दिखा देता हूँ, रिप्लेस करना पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा ही। तो ये डिसकनेक्ट कर दिया, SSD यहीं पर रहने देते, और ये है ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है जो नीचे से यहाँ से फूल चुका है, ठीक है, इसके वजह से ही इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो ये हटा देता हूँ, रैम साइड में रख देता हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी मैं फ़ोन को ऐसे घुमा देता हूँ, एक सेकेंड, बस फ़ोन को ऐसे घुमा दिया, तो ये एक कैपेसिटर है जो मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये मैं देख लेता हूँ कौन सा है, ये वाला, ये कैपेसिटर मैं रिमूव करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पर इंसर्ट भी करना होगा आपको, मतलब लगाना भी है। ठीक है, तो मैं रिमूव करके ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, वो दिखा देता हूँ, लगा लेंगे बाद में। देखो कहाँ गया, थोड़ा सा पेस्ट वगैरह चाहिए, कहाँ गया मैं भूल गया, एक सेकेंड मैं भूल गया कहाँ था, कौन सा वाला था, ये वाला मिल गया, ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, एक सेकेंड हाथ से करना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा। ये कैमरा पकड़ मतलब दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ये काम करते करते। तो ये हटा दिया मैंने कैपेसिटर, ये है हमारा कैपेसिटर, ये रख दिया। तो ये इस प्लेस पे था, ये नीचे से फूल चुका है, ठीक है, यहां से फूल चुका है, ये कैमरा में ब्लर हो रहा है भाई, एक सेकेंड, कैमरा में कितना आ रहा है मुझे पता नहीं, पर मैंने आंखों से देखा इस पोर्शन से ये फूल चुका है, इस पोर्शन से। ठीक है, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ, ये रख दिया, अब क्या है उसी सेटअप पे हम चले जाते हैं, तो ऐसे ही रहे तो इजीली दिख जाएगा। तो फिर से कनेक्ट करता हूँ, छोटा सा वीडियो है बस, एक कैपेसिटर के वजह से क्या हो सकता है बोर्ड में, वही बस मैं दिखा रहा हूँ, और
बहुत से लोग हैं, इसको क्या है, आंखों से आइडेंटिफाई करना होता है ये आंखों से। मतलब नॉर्मली जो बिगिनर्स है वो देख के कभी भी पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग फॉलो कहाँ करते हैं पता है? वो लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हर जगह पे देखते हैं वीडियो पे ऊपर में, ये ऊपर में अगर फूल चुका है यहाँ पर, मतलब ये तीन जो नोड होता है ये ऊपर उठ चुका है, तो वो फॉलो करते हैं। ऐसा अगर हुआ तो ही चेंज करेंगे। बाकी ये नीचे भी देखना होता है कैपस्टर के, ये नीचे भी, नीचे का पोर्शन भी। और ये बहुत एक्सपीरियंस ना होने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। तो मुझे दिखा, अभी देखो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ वीडियो, अगर काम नहीं बना तो वीडियो तो डालूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बन गया तो वीडियो मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बन जाएगा, तो रैम में लगा देता हूँ, उसी पोर्ट पर ही डाल देते। और ये देखो SSD कनेक्ट है, वही SSD है, वही SSD है। तो मैं अभी बोर्ड को एक डिबग कार्ड डाल के ऑन करूँगा। डिबग कार्ड डाला, पावर दिया और ये ट्रिगर दे दिया। एक सेकेंड नहीं होगा, VLM सेक्शन का पावर डाला नहीं था, अब डाला, अब ट्रिगर दिया। ये देखो कोड लेना चालू हो गया, SSD मेरा कनेक्टेड है और डिस्प्ले अभी भी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मॉनिटर BGA खोल दिया मैंने, कहाँ रखा भाई। ये देखो विंडोज घूमने लगा है, अब ये ओपन हो जाएगा, होल्ड करो, ये देखो ओपन हो जाएगा अभी। ये लो हो गया, हो जा, ये हो गया। इसे कहते हैं मैजिक। तो ये आज का वीडियो है, छोटा सा एक मैजिक, जो कि एक पोलराइज कैपेसिटर से भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो मैंने दिखाया कि ऐसा भी प्रॉब्लम एक कैपेसिटर के वजह से हो सकता है। वो देखो ये कैपेसिटर मैंने हटाया, वो वाला कैपेसिटर, ठीक है। और अभी देखो ये आ चुका है और ये अभी ओपन हो जाएगा, तो फिर भी ओपन होने तक हम देखेंगे। और मैंने कुछ नहीं किया, बस ये कैपेसिटर को हटाया, मुझे लगा कि ये फॉल्टी लग रहा है, बस ये देखो विंडोज़ ओपन हो गया। तो अभी देखो कीबोर्ड में भी इसका लाइन लेगा, तो मैंने खोल दिया था सारा, ये देखो कीबोर्ड लगा देता हूँ, ये देखो लिया, कीबोर्ड पे भी लाइन आ चुका है। तो हमारा जो केस स्टडी है वो सक्सेसफुल बना। अब इससे कौन क्या सीखेगा मुझे पता नहीं, पर मैं जितना हो सके सिखा दिया, दिखा दिया। तो कैपेसिटर के वजह से भी विंडोज स्टॉक आता है, ठीक है, स्टॉक होता है, रीस्टार्ट होता है, ब्लू स्क्रीन आता है। तो यही है आज का मेन थिंग, कि कैपेसिटर के वजह से भी विंडोज़ में प्रॉब्लम आता है बूटिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।